मेरा जो ड्राइवर है अगर वो अमीर हो जाए तो फिर मेरी गाड़ी ड्राइव कौन करेगा? मेरा माली अगर मेरे जितना पैसा कमा ले तो फिर वो मेरे लॉन की केयर क्यों करेगा? और मेरी काम वाली को देख लें, अगर उसके पास पैसा आ जाए तो फिर मेरा बैंगलोर कौन साफ करेगा? आप? नहीं, मैं तो गरीब नहीं हूँ, मैं तो मिडिल क्लास हूँ। अच्छा ये बताइए कौन से मिडिल क्लास हैं आप, अपर या लोअर? हाउ डू आई नो? इट्स वेरी सिंपल, आंसर सम क्वेश्चंस फॉर मी, ठीक है? Okay. ये बताएं कि जब आपका साबुन खत्म होने वाला होता है तो क्या आप उसको फेंक के नया साबुन यूज करते हैं या फिर नए वाले के साथ चिपका के इस्तेमाल करते हैं? वेल कॉमन सेंस हो जाएगी कि चिपका कर काम चला लिया जाए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आपका क्या कहते हैं शैम्पू खत्म हो जाता है तो फिर आप उसकी बोतल में पानी डाल के इस्तेमाल करते हैं या नया शैम्पू ले आते हैं? कॉमन सेंस हो जाएगी कि हिला के इस्तेमाल कर लिया जाए शैम्पू। ओके ओके ओके, तीसरा सवाल फाइनल क्वेश्चन फॉर माय एनालिसिस, ये बताइएगा कि जब आपका टूथपेस्ट खत्म हो जाता है तो क्या आप उसकी ट्यूब पे बेलन मल मल के उसको आखिरी कतरे तक निकालते हैं या फिर नया टूथपेस्ट लेकर आते हैं? Well, मैं तो आखिरी कतरे तक जंग लगता हूँ। वल्ला इसका मतलब आप तो फिर लोअर मिडिल क्लास है। What? I mean, ना आपने मुझसे मेरा बैंक बैलेंस पूछा है, ना आपने मुझसे मेरे घर का पूछा अपना है या किराए का है, ना घर गाड़ी का पूछा। आपने मेरे बाथरूम की चीजों की यूजेस की बेस पे मुझे लोअर मिडिल क्लास बोल दिया। Obviously, see, गुर्बत is a state of mind. You know what makes you poor and what makes me rich? Attitude, man. ये सब सोच का कमाल है। आपका स्टेटस आपकी सोच से डिफाइन होता है। तो अगर गरीब लोग अपनी सोच अमीरों जैसी कर लें तो क्या वो फिर अमीर हो सकते हैं? Let me give you an example. अब एक गधा है, वो कहे कि मैं आज से शेर हूं। क्या वो शेर बन जाएगा और क्या आप उसको शेर मान लेंगे? Well, हमारे मुल्क में एक शख्स है जिसको लोग शेर शेर कहते हैं। Please do not drag politics into this. I mean, politicians are the reason why I'm rich. आप just answer my damn question. Definitely, common sense तो यही कहती है कि no, मैं उसको शेर नहीं मानूंगा। गधे को शेर कौन मानेगा? There you go. See, you can only fool yourself that you're rich. You're not actually rich. Okay. That's a bit rude, by the way. अच्छा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि देखिए आजकल हर कोई मुल्क से भागने की फिराक में है। जिसको कोई मौका मिला, जिसके पास रिसोर्सेज हैं, पैसा है या कोई अपॉर्चुनिटी है, वो मुल्क से भागने की सोचता है। आपके पास तो वो डुअल नेशनलिटी होगी ना? ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने का सवाल है। यस, तो आप पाकिस्तान में क्या कर रही हैं? आप मुल्क से बाहर क्यों नहीं जा रही? फर्स्ट ऑफ ऑल उमर, पाकिस्तान इज अ हेवन फॉर द रिच। पाकिस्तान में ऐसा क्या जो एक अमीर आदमी नहीं ले सकता? यू कैन बाय प्रॉपर्टी, यू कैन बाय पावर, पोजीशन, लॉ, और सबसे जरूरी चीज है टाइम, अ पुअर मैन्स टाइम। तो आप गरीबों का टाइम भी खरीद लेती हैं? डेफिनेटली, मेरी बात सुने, अब एक ट्रायल हो। गरीब बंदे के लिए वो 2-3 decades चलेगी, पर एक अमीर बंदा पैसा फेंकता है उसके लिए ट्रायल शॉर्ट हो जाती है। अच्छा एक बात बताइए कि अगर आपको किसी गरीब आदमी से प्यार हो जाए, जस्ट इन केस, तो क्या आप उससे शादी करेंगे? मतलब प्यार तो अंधा होता है ना। उमर, प्यार पिछले जमाने में अंधा था। टेक्नोलॉजी ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है, अब प्यार को कोई डिसेबिलिटीज नहीं है। ना प्यार अंधा है, ना प्यार लूला है, ना लंगड़ा है, ना प्यार को डायबिटीज है, ना प्यार को हाइपरटेंशन है। और प्यार अब देख के होता है, ठीक है? प्यार करने से पहले देखा जाता है उसका स्टेटस क्या है, उसकी इनकम क्या है, उसकी फैमिली क्या है, जात पात नस्ल सब कुछ देखना होता है प्यार करने से पहले। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आपको ऐसी कोई उम्मीद है ना, तो प्लीज उसको दिल से निकाल दीजिए। फोकस ऑन योर पप्पी की बेटी। वेल एक्चुअली मेरी पप्पू की बेटी भी काफी अमीर है। तो फिर अपने औकात पे तवज्जो दें।